क्योंकि एंड वक्त मैं साथ था अम्मी का, तो मुझे मतलब इतना रोना आ रहा था, मैं उनके गले लग के इतना रोया इतना रोया। मैं बोला अम्मी उठो, नहीं उठने का नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है आशीष शेख ब्लॉग में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से आपका भाई भी बहुत अच्छा है। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 बज के थोड़े ऊपर हो गए हैं। और ये देखिए मेरी फातिमा को। मेरी फातिमा क्या करे बाबू? ए फातिमा, नानी का काम बढ़ा रहे तुम? वे देखो क्या कर रही है। अरे बाप रे बाप, सर्फ एक्सेल गिरा रहे। ए अल्लाह, क्या है ये? चले भाई, हमारा नाश्ता भी आ गया, तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आप लोग भी नाश्ता करने। फ्रेंड लोग को सलामी नहीं किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आप लोग जाए नाश्ता करने। हाँ, ये सब फ्रेंड्स नाश्ता करने। अभी तो पुलाव का नाश्ता हो रहा है, फिर इसके बाद में चाय का नाश्ता होगा। हम्म, तो चले भाई, आ गई हमारी चाय भी। तो चले भाई, हमारा नाश्ता वगैरह सब करके हो गया और पानी गर्म पे रखे हैं, फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। हो गया मैं फ्रेश और मिसबा ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर की थी, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं क्या ऑर्डर किया था वगैरह? ओहो, वॉल पीस, माशाल्लाह, एक नंबर। वो क्या लाइट है? हाँ, निकालो निकालो, पूरा खोल के बताओ जरा। वाओ, ये निकल गया दो सेल, तो डालते हैं इसके अंदर। आप लोगों को मैं चालू करके दिखाता हूँ ये। अरे अल्लाह, आराम से आराम, तो तारने तो उखड़ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसी जाएगा, मैं बताता हूँ। तो चलिए भाई, लग गया, चालू करो। ढक्कन लगा दो, सो ढक्कन लगा दो। हाँ, देखो मिसबा ने इतना प्यारा ऑर्डर किया, क्या क्या बोले तुम्हारी बहन को? मेरी बहन ने जो मतलब इतना प्यारा ऑर्डर किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूं। हाँ, माशाल्लाह कितना मस्त लग रहा है ना वो। थैंक यू, हाँ मस्त है, कितना स्लो वाला, आवाज भी नहीं आ रही है। अरे चलो मिसबा, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को सलाम बोलो जल्दी जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन के कमेंट के बाद से मिसबा बिचारी, मिसबा के अलग से आवाज ही नहीं निकलती। तो यहाँ पे बर्तन जमा हो गए, सोलेहा जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कितना बड़ा छेद है, यहाँ पे चूहे लोग ने तक खोद के रखे पूरा। हाँ देखो ना, पूरी मट्टी बाहर फेंक दी लोगों ने खोद खोद के। और जो जो मेहमान आए थे सब अपने अपने घर पे रवाना हो गए। तो यहाँ पे अम्मी तोड़ रहे हैं मेथी। आज क्या बनाएंगे अम्मी खाने में दोपहर में? दोपहर में बनाएंगे रोटी और भेजा। भेजा तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ? अच्छा, तोड़ के रख रहे हैं सिर्फ, अपने लिए बनाए, बाकी मेरी मम्मी गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं खाते, इसीलिए अपने लिए भाजी जी तोड़ के रख रहे हैं। चले भाई, शालो का भी पूरा बर्तन धो के हो गया, क्या बोलते शालो? पूरा काम हो चुका है। हाँ, माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है, हो गया ना। और कुछ तो हो गई है जोहर की अजान, मैं आया था नमाज पढ़ने। A few moments later, मैं आ गया था नमाज पढ़ के। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अब सब हम लोग खाना वगैरह खाने बैठेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने में है आज सूखा भेजा, तहाड़ी और रोटी, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने बैठे ही थे और इसको देखो आके छिपा के रही है मेरे को दाढ़ी पकड़ के। क्या मेरे बच्चे को? अल्लाह, मेरे बच्चे ने खाना खा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, प्यार अबू भी प्यार आ रहा है, सो कितना प्यार आ रहा है, बाप रे। मैं कहीं जा छोड़ी ना तुमको, छोड़ गया ये देखो। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया बेटा, खाना खाने नहीं देंगे तुम मेरे को? खाना खाने नहीं देंगे आज बाप बेटी ने देखो सेम सेम कपड़ा पहने, एकदम सेम सेम कलर का। तो चले भाई, खाना वगैरह खा के हो गया और मैं आके बैठा था जो भाड़े से रूम लिया ना, उधर रूम में आके बैठा था, तो कुछ भी नहीं, एकदम खाली सो रहे थे, एकदम खाली खाली था। मैं चलो यहीं आके आप लोगों से बातें कर लेता हूँ और कुछ बातें शेयर करता हूँ। तो जस्ट मैं अभी देखा शफीक भाई का ब्लॉग, तो मतलब मेरी मम्मी की बरसी थी कल, तो वही ब्लॉग डाले भाई ने जो स्टार्टिंग में जो चल रहा था, जो लास्ट का एंड का जो पार्ट था ना, जो मतलब जो एंड दवाखाने में हॉस्पिटल लास्ट दिन था, जो बैठे हुए थे बेड पे, तो वो सीन और भाई ने जो हाथ पकड़ के वो मतलब फोटो लिया था, वो वाला सीन मुझे देख के इतना रोना आया, मैं चुपचाप मतलब सिर्फ आंसू निकले थे, वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। और दरअसल ना मुझे कल फातिहा दिलाना था, लेकिन मैं चले गया था वलीमे में, तो इस वजह से मैं दिला नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह आज दिलाऊंगा। और वो जो लास्ट सीन हॉस्पिटल में था ना, और मेरे अब्बा और मैं ही थे, हम दोनों साथ में थे, अम्मी के वहाँ पर, मेरे अम्मी को ना
4 से 5 एक हफ्ते के लिए एडमिट किए थे, तो मैं और अब्बा ही वहाँ पर थे। मतलब जैसे अब्बा रुकते तो मैं घर पे आता, उनको खाना वगैरह लेके जाता, फिर देता, फिर अब्बा उधर ही रुकते थे। मैं जो भी मतलब भागम दौड़ी जो करना था वो मैं लास्ट में वही करता। तो एंड सीन ऐसा था, मैं बताता आप लोगों को। दरअसल हम लोग, मेरी मम्मी को जब तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गई ना, उनके लीवर में पानी भर गया था, क्योंकि मतलब उनके बॉडी इन्फेक्शन भी हो गया था, एक किडनी में भी थोड़ा मतलब दवा बहुत खाते थे ना, तो इस वजह से किडनी में भी इफेक्ट पड़ गया था। तो इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब होने, मेरे मम्मी का जो डॉक्टर था, डॉक्टर सिंह डॉक्टर नाम है, महाड़ा में वो, तो मेरे मम्मी उसके पास से दवा लेते, तो एंड टाइम पे भी उधर ही गए थे दवा लेने के लिए। लेकिन कैसा, वो मतलब फैमिली डॉक्टर था, तो उससे जितना कोशिश हुआ उसने किया, लेकिन उसने ही बोला कि आप मेरे से नहीं हो पाएगा, तुमको जाना पड़ेगा बड़े डॉक्टर, प्राइवेट में बोल रहे थे। लेकिन प्राइवेट में कैसा, बजट के हिसाब से हम गए अपना इधर पे शताब्दी दवाखाने में गए, वहाँ पर एडमिट की, तो वहाँ पे भी 1 से 2 दिन एडमिट किया अम्मी को। फिर उसने बोला कि हमसे भी नहीं हो पाएगा, तुमको नायर लेके जाना पड़ेगा। तो नायर लेके चले गए, वहाँ पे भी एक हफ्ता एडमिट थे, जो एंड वक्त में सब मेरे घर वाले आए मिलने के लिए। और जैसे ही मतलब उनकी तबीयत ना और ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि लीवर में पानी भर गया था, तो वही डॉक्टर लोग इंजेक्शन वगैरह पता नहीं कौन सी इंजेक्शन डाल के निकाल रहे थे पानी, तो मतलब उन लोग से भी नहीं हो पाया ये चीज़। तो खैर वो तो अल्लाह मालिक है, जिसको जैसे बुलाना हो वैसे ही बुला लेता है। तो वैसे ही एंड वक्त में एकदम मतलब वो होने लगे सीरियस, सब पूरे घर वाले आए मिलने के लिए, तो मैं भी आ गया था। तो जैसे हम लोग घर में एंट्री मारे ना, वैसे ही 2 से 3 मिनट के बाद मेरे अब्बा का फ़ोन आया। बोलते कि अब्बा बोले कि मतलब रोना स्टार्ट कर दिए फ़ोन करते ही, बोलते अब रजिया नहीं, रजिया चली गई ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोग को इतना रोना आया, बाप रे, शबनम इतना रोई, मैं भी रोया बहुत। मतलब हम लोग तो आदमी लोग, तो पता है आप लोगों को कि आदमी लोग के आंसू ऐसे होते हैं कि कंट्रोल कर लेते, खुद को रोते भी हैं तो जाहिर नहीं करते, लेकिन औरतों का उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो शबनम इतना रोई, उसको कितने लोग पकड़े, बोले मत रो, चुप बैठ। तो हम लोग, मैं, शफीक भाई और वसीम, आमिर भाई, सब लोग, चाचा भी थे, सजा चाचा भी थे मेरे, तो हम लोग उसी वक्त भागे नायर हॉस्पिटल रात में। तो वहीं गए एकदम, मतलब फिर देखे, मतलब जैसे दवाखाने में एंट्री मारे तो देखे कि अम्मी का मतलब बॉडी पड़ी हुई थी बहुत ना, मतलब मैं तो एकदम गले लग के रो रहा था उनको बहुत एकदम, जैसे क्योंकि एंड वक्त मैं साथ था अम्मी के, तो मुझे मतलब इतना रोना आ रहा था, मैं उनके गले लग के इतना रोया। मैं बोला अम्मी उठो, नहीं उठने का नाम ही नहीं, सॉरी, आमिर भाई नहीं आए थे। दरअसल शबनम इतने ज़्यादा रो रही थी ना, तो आमिर भाई उसको घर पे संभाल रहे थे, घर पे जो भी लेडीज थी ना, तो आमिर भाई उन लोग पे ध्यान दे रहे। तो मैं, शफीक भाई, वसीम और सहजा चाचा, तो सबसे मेन बात ये है इंपॉर्टेंट, मुझे इतनी खुशी हुई जब हम लोग अम्मी, मतलब जब रात में जब 12 बजे हम लोग अम्मी को ऑटो पे लेके जा रहे थे ना, तो अम्मी मेरे बाजू में बैठे थे, मैं, अब्बा, अम्मी थे। तो मैं अम्मी को सिर्फ रास्ते भर में सिर्फ कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अम्मी इतना जोर जोर से रेगुलर पढ़ रहे थे। फिर मतलब हम लोग शताब्दी जा रहे थे तभी पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद नायर गए ना। फिर सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी, जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो अब्बा ने मुझे बताया कि तेरी अम्मी लास्ट के टाइम कलमा पढ़ रही थी। मैं इतना, मेरे को खुशी हुई, इतना मतलब दिल मेरा इतना वो, मैं जो मैंने दुआ किया अल्लाह ने कबूल किया। लेकिन मौत के वक्त कलमा नसीब होना बहुत नसीब वालों की बात है, बेशक बहुत नसीब वालों को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। अल्लाह पाक हम सबको कलमे शहादत के साथ उठाए। फिर उसके 2 से 2.5 घंटे के बाद पेपर वगैरह बना, जो भी बनना था। फिर उसके बाद मेरी अम्मी को बांधे, फिर अपना जहाँ पे ठंडे रूम में रखते ना बॉडी, क्या बोलते अपना उसको, उसको मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर रखे बॉडी रूम जहाँ पे डेड बॉडी रखते हैं, वहाँ पर ठंडे में रखे। फिर उसके बाद में हमारी एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस में डाल के रात में हम लोग लेकर आए, 4:30 बजे के टाइम लेकर आए घर पे हम लोग अम्मी को। फिर उसके बाद में सुबह ही उनका जनाजा वगैरह तैयार हुआ, फिर हम लोग जहर की नमाज से पहले चारकुप कब्रस्तान जहाँ पे भाई गए थे वहाँ पर ही दफना कर आ गए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह हम सबको जाना है, क्या बोल सकते हैं अभी, एक ना एक दिन तो बस यही है कि जो इंसान सामने रहता है ना उसकी कदर नहीं होती, उसके जाने के बाद बहुत कदर है। बहुत सी बातें शेयर करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा ऐसी बातें। और मुझे कल दिलाना था फातिया, दरअसल मैं चले गया था मंगनी में, इस वजह से नहीं दिला पाया। तो आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए कि आप मतलब इतना नमाज वगैरह पढ़ने वाले आप अम्मी के नाम का फातिया नहीं दिलाते। दरअसल फातिया दिलाना मकसद नहीं है, फातिया ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, फातिया है मुस्तहब। यानी दिलाएंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं दिलाएंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन दिलाना चाहिए अपने माँ बाप का
माँ बाप को इसाले सवाब करना चाहिए। और जो इसे फ़र्ज़ या वाजिब समझते, मैंने एक बयान सुना था मौलाना इमरान अत्तारी का, तो उन्होंने बहुत प्यारा बयान दिया, जो इसे फ़र्ज़ और वाजिब समझता है वो खुद गुने में पड़ता, बाकी फातिहा दिलाना मतलब फ़र्ज़ या वाजिब समझता है वो गुनाहगार होता है। दरअसल फातिहा मुस्तहब है, अच्छा अमल है, तो हमें करना चाहिए, तो और इंशाल्लाह मैं करूँगा ज़रूर, और करना भी चाहिए ये, ठीक है। भले से फ़र्ज़ नहीं है वाजिब नहीं है, लेकिन हमें हमारे माँ बाप को इस आले सवाब करना चाहिए। बुजुर्गान दीन के नाम पे जितने भी अल्लाह के नबी हैं, सहाबाए किराम हैं, अहले बैत हैं और औलिया किराम हैं, इन सब के नाम की फातिहा हमें दिलाना चाहिए, ताकि इन सब की बरकत हासिल हो। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें और भी शेयर करूँगा जब कभी मौका मिलेगा। तो बस अभी जाता हूँ, फटाफट नियाज वगैरह लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद में फातिहे का तमाम करता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चले हो गई असर की अजान, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ फटाफट, फिर उधर से ही कुछ भी बूंदी या जलेबी वगैरह लेकर आता हूँ, उस पर ही फातिहा कर दूंगा। नमाज से फारिग हो गया था और आया था मार्केट से ही लेने के लिए, तो मैं ले लिया हूँ साबुदाने के भजी भी ले लिया हूँ। अब जाते हैं घर पे, फातिहा करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा नाश्ता करते हैं। लेकर आ गया था मैं घर पे, ये लो इसको ना डाल दो प्लेट के अंदर, तो पूरे से हाँ साफ कर लो अच्छे से। देखिए मैं मिठाई निकालने जाऊंगा। तो अगरबत्ती भी निकाल लिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يا الله الرحمن الرحيم، أنا جو قلبي پڑھا ہے میرے مولا، اسے پڑھنے میں جو بھی کمی پیشی غلطی ہے میرے مولا اسے معاف فرما کر دے، بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ بھی سامنے پیش ہے میرے مولا اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب دانا غیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نظر کرتا ہوں، قبول فرما، یا اللہ الرحمن الرحیم، تیرے پیارے حبیب کے صدقے تو بھیجے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، تمام تابع تابعین، بزرگان دین، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما، یا اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہو گیا ہمارا فاتحہ دلا کے اور الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے ہمارے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور بیٹھے تھے سابودانے کا بھجیا کھانے، کیا بولتے، چلو ہیلو کھاؤ، فاطمہ کو بھی دو، میری بیٹی بھی کھائے گی، ہاں کھلاؤ، تیکھا نہیں ہے تو دیکھو کھلاؤ اس کو، ہاں میری بیٹی بھی کھائے گی، میری بیٹی بھی کھائے گی، ارے ماشاء اللہ، ہیلو ہیلو، کھا لو کھا لو میرا بچہ، شاباش۔ ओ भाई सोने पे सुहागा, अभी जस्ट क्या खाए थे, चलो अपुन ने साबूदाने का भजिया खाए और आ गया है दूध, तो मिसबा बनाएगी चाय फटाफट, मिसबा के हाथ की चाय पीनी आज सबको। तो जब तक चाय बन रही है तब तक फातिमा का थोड़ा झूला झूल लेते हैं। तो देखिए मेरे शौहर का बचपन लौट आया। तो बचपना तो रहता ही है, सही बात है ना, और बचपना रहना भी चाहिए इंसान के अंदर, क्या बोलते, अन्नन्ना फातिमा अन्नन्ना बोल रही, बोलती उतरो मेरे झूले से, क्या बोल रहे फातिमा, फातिमा का हाथ कितना ठंडा है, बाप रे, ये दूध का पैकेट पकड़ी थी ना इसीलिए, है ना फातिमा, हो गया ठंडा, हो गया हाथ। अरे अल्लाह फाड़ दी, देख देख फाट फाड़ ली उसने, देख देख गया दूध फाड़ दी फातिमा ने, बता फटा कर दिया, अरे माँ कसम, अल्लाह अकबर, दूध फाड़ के हंस रही, ऐसा हंसते दूध फाड़ के हंसते। तो चले भाई थोड़े इंतजार के बाद हमारी चाय आ गई बनके, अरे मिसबा क्या निकाल रहे तुम, ओहो बिस्तोस, क्या बात है यार, टोस्ट भी है, बटर भी है, जिसको जो लेने का ले लो। ये देखो चाय देख के फातिमा को, बाप रे, चाय चाय चाहिए बेटा, तुमको भी चाय चाहिए, हाँ चाय पियेंगे। तो चलो चलो टेस्ट करके बताओ यार, मिसबा चाय कैसे बनाए, उसको आज अपन वो करेंगे, क्या बोलते, इनाम देंगे, हाँ इनाम नहीं देंगे बे, जबरदस्ती लुटवाने का क्यों काम कर रहे हैं, टेस्ट करके बताओ 10 में से, बड़ा 10 देखते इसको 10 में से कितना मार्क्स देते, चलो ठीक है, चलो टेस्ट करो फटाफट, बताओ जल्दी जल्दी पियो, कैसी है, अच्छी लगी, बोल रही फातिमा, मैंने अब ठीक है माशाल्लाह, फातिमा भी बोल रही है अच्छी है बेटा, अच्छी है ना,
कितने मार्क्स देना चाहिए 10 में से? 10 में से 10। पक्का? पक्का। पूरे? ओहो, इतनी अच्छी चाय बनाई मेज़बान ने, क्या बात है यार। तो फ्रेंड्स, आज बनाने वाले हैं सोलिहा दाल चावल। तो चलो, दाल कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे? जमीन से? दाल चावल अंडे की पूरी। ये जमीन से दाल बनाना स्टार्ट करेंगे? गिर गया गोश्त। अच्छा। खा के वो तो हो गए, दाल चावल। अच्छा। बना रही हूँ। तो आप दाल चावल बना रहे हैं, माशाल्लाह। वैसे भी तुम्हारे हाथ की दाल मुझे खाने का इतना दिन से खाया नहीं ना मैं। अच्छा, तो कितना बनाएंगे, 2 जन के हिसाब से क्या पूरी दावत रखेंगे? पूरे है ना, सब अम्मी अब्बा। मुझे लगा कि सालो आज खाना बनाएंगे ना, तो पूरे मोहल्ले की दावत रहेगी, क्योंकि इनको ज्यादा बनाने की आदत है ना, इसीलिए। तो देखिए सब क्या बोलते हैं, कांदा टमाटर बटाटा, ये चावल भी हमारा निकल गया है। और अभी अभी हो गई है ईशा की अजान, मैं आता हूँ फटाफट नमाज पढ़ के, फिर शालो दाल चावल कैसे बनाते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को जरूर बताता हूँ। नहीं तो मोबाइल रख के जाऊँ, शालो तुम भी बना लेना ना। नहीं मिसबा बनाएगी ना, आप मोबाइल रख के जाऊँ। तो भाई मैं आ गया था नमाज पढ़ के, लेकिन अभी तक शालो का दाल चावल नहीं बना। क्यों शालो? शालो इतना लेट क्या कर रहे हो यहाँ पे? अभी चालू है काम, चालू है। तो ये दोनों लगे हुए किचन में, चलो बनाओ, मैं बाहर बैठता हूँ जब तक थोड़ा कुछ सुनता हूँ, नात वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना वगैरह सब खा के हो गया। तो आज का ब्लॉग कुछ इतना मतलब खास नहीं बना पाया, फिर भी आप लोगों का प्यार सपोर्ट से मतलब इतना कर पाया मैं। तो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। बस अपना प्यार ऐसे सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।